साइक्लोन दाना बेहद ताकतवर चक्रवात में तब्दील हो गया है। बंगाल और उड़ीसा इस मुसीबत से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मौसम विभाग से मिली ताजा खबर के मुताबिक साइक्लोन दाना धीरे धीरे समुन्द्र में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। ये बेहद ताकतवर तूफान गुरुवार आधी रात को समुद्र तट से टकराएगा। अलीपुर मौसम विभाग के सूत्रों के मुताबिक फिलहाल साइक्लोन दाना उड़ीसा के ढामरा से 310 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप से 350 लगभग दूर है। साइक्लोन दाना के उड़ीसा में भीतर कामिका और ढामरा के बीच टकराने की आशंका है। लैंडफॉल के वक्त तूफान की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हालांकि बंगाल में साइक्लोन दाना के टकराने का फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन राज्य के समुद्री इलाकों पर इस तूफान का अच्छा खासा असर पड़ेगा। पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। बांकुड़ा, हावड़ा और हुगली जिलों में भी अलर्ट जारी किया जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती दाना तट से टकराने के बाद धीरे धीरे अपनी ताकत खो देगा। इसके असर के चलते शनिवार तक कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल में बारिश होगी। साइक्लोन दाना से निपटने की तैयारी में राज्य प्रशासन को कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। प्रशासन इस बात पर कड़ी नज़र रख रही है कि कोई समुंदर में ना उतर सके। डॉक्टरों की एक स्पेशल टीम और एम्बुलेंस भी तैयार है। हालात पर नज़र रखने के लिए नौबन्ना में एक कंट्रोल रूम खोला गया है। कई जिलों में भी कंट्रोल रूम काम कर रहा है। साइक्लोन दाना का असर कोलकाता पर भी पड़ेगा। लैंडफॉल के वक्त शहर में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। मौसलाधार बारिश भी होगी। तूफान से निपटने के लिए कोलकाता कॉर्पोरेशन ने एक कंट्रोल रूम खोला है। उस कंट्रोल रूम से कोलकाता के विभिन्न इलाकों में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी, ताकि कोलकाता कॉर्पोरेशन किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए पहले से तैयार रहे। कोलकाता कॉर्पोरेशन के सभी कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। इस कंट्रोल रूम से इस बात पर नज़र रखी जाएगी कि शहर के किसी भी इलाके में कहीं कोई पेड़ तो नहीं गिर गया है या फिर पानी जम तो नहीं गया है। ऐसे किसी भी समस्या को देखने के बाद इस कंट्रोल रूम से एक टीम वहां फौरन पहुंचेगी। कोलकाता के लोग किसी भी तरह के मुसीबत पर फंसने पर कंट्रोल रूम में फ़ोन कर सकते हैं। कोलकाता कॉर्पोरेशन के इस कंट्रोल रूम का फ़ोन नंबर 2286-1212, 2286-1313, 2286-1414